गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हैव वर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चूरू एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर इन टूडेज लेक्चर सीरीज ऑफ एंटोमोलॉजी आई विल डिलीवर माई टॉक ऑन फोटो रिसेप्टर्स ऑफ इंसेक्ट। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में इंसेक्ट में पाए जाने वाले लाइट रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर्स उससे मैं आपसे मैं चर्चा करूंगा। वैसे इंसेक्ट में सेंस ऑर्गेन पे दो तीन व्याख्यान बनते हैं क्योंकि इंसेक्ट में कई तरह के रिसेप्टर्स हैं। इंसेक्ट में टेम्परेचर रिसेप्टर भी है, टेंगो रिसेप्टर्स भी हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स भी हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली फोटो रिसेप्टर्स पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी पे मैं आज का ये व्याख्यान फोकस करूँगा। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स या लाइट रिसेप्टर्स वो रचनाएँ होती है जो प्रकाश को डिटेक्ट करती है, किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इंसेक्ट में पाए जाने वाले जितने भी फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको बेसिकली चार टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज डर्मल रिसेप्टर या डर्मल लाइट सेंस ऑर्गेन, सेकेंड टाइप इज डॉर्सल ऑसिलाई, थर्ड टाइप इज स्टीमेटा, इसको लेटरल ऑसिलाई के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें दैट इज कंपाउंड आई। तो इंसेक्ट में फोटो रिसेप्टर्स चार प्रकार के हो गए, डर्मल रिसेप्टर, डॉर्सल ऑसिलाई, स्टीमेटा या लेटरल ऑसिलाई और कंपाउंड आई। इन सभी पे मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट टाइप इज डर्मल रिसेप्टर। अब इसमें नाम से स्पष्ट है, डर्मल, डर्मल मीन्स स्किन। अब डर्मल रिसेप्टर हैं ये कोई एक तरह कोई आँखें जैसी कोई रचना नहीं है, लेकिन इंसेक्ट की जो स्किन होती है, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है उसमें फोटोसेंसिटिव एक्टिविटीज़ पाई जाती है, और इस तरह की जो रचनाएँ होती है ये मेनली लेपिडोप्टेरा के लार्वा में हाईली डेवलप्ड हैं, टेनेब्रियो में हाईली डेवलप्ड हैं, कॉकरोच के अंदर हाईली डेवलप्ड हैं। और इन इंसेक्ट में देखा गया है कि यदि आँखों को ढक भी दें, यदि मान लिया कॉकरोच है, कॉकरोच की आँखों को यदि आप ढक भी दें या कॉकरोच की आँखों को कैंची से काट के आप रिमूव कर दें, उसके बाद में भी इसकी जो स्किन होती है वो प्रकाश के प्रति संवेदनाएँ दर्शाती है, यानी लाइट के प्रति रेस्पॉन्स दर्शाती है। इसके अलावा इंसेक्ट में जो क्यूटिकल का जो डिपोजिशन होता है वो भी लाइट के द्वारा अफेक्टेड होता है। यदि पहले मैंने एक व्याख्यान दिया इंटेगमेंट्री सिस्टम के ऊपर, और उसमें आपने देखा होगा कि इंसेक्ट में क्यूटिकल का जो डिपोजिशन है वो दो तरह का होता है। दिन में जो क्यूटिकल बनती है उसमें तो लेमिली एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती है, इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूटिकल का नाम जैसे मैंने दिया था, और नाइट में जो क्यूटिकल बनती है उसे मॉलिक्यूल एक एक घंटे से रोटेट होते हैं। तो नाइट में जो क्यूटिकल बनती है वो एनुलेट टाइप की या हेलिकॉइडल प्रकार की क्यूटिकल बनती है। अब मान लो किसी इंसेक्ट को आप लगातार अंधेरे में रखो, सपोज यानी जिस इंसेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और इस इंसेक्ट को आप मान लीजिए 10 दिन तक लगातार अंधेरे में रखो, प्रकाश के संपर्क में नहीं आए, तो देखते हैं कि उसमें जो स्किन में जो क्यूटिकल बनती है वो हेलिकॉइडल टाइप की बनती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूटिकल बनती नहीं है। या इंसेक्ट को आप लगातार लाइट के संपर्क में रखो, आर्टिफिशियल लाइट जला दो, इनका जो चैम्बर है चैम्बर पे हाई पावर का हैलोजन बल्ब जैसे जला दो, और इस इंसेक्ट को आप लगातार 10 दिन तक लाइट के कांटेक्ट में रखो, तो इसकी स्किन में हेलिकॉइडल क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं होगा और केवल स्ट्रेटिफाइड क्यूटिकल है वही डिपॉजिट होती है। तो इंसेक्ट में जो क्यूटिकल डिपोजिशन की जो रिदमिसिटी है वो रिदमिसिटी प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है, प्रकाश पे डिपेंड करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो सेंसिटिविटी है, ये एक्चुअल में स्किन की ही प्रॉपर्टीज़ है। इसमें कोई लेंस सिस्टम नहीं है, कोई कॉर्निया नहीं है, कोई रेटिना नहीं है,
कोई तंत्रिका ही नहीं है, लेकिन स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स जो होते हैं पूरी स्किन के अंदर, विशेषकर डॉर्सल सरफेस के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और लाइट सेंसिटिविटी की फिनोमिनन इसके अंदर पाई जाती है। प्रकाश के प्रति डिटेक्ट करने की जो क्षमता है वो इसके अंदर पाई जाती है, और कंपाउंड आई को रिमूव भी कर दें तो भी ये इंसेक्ट लाइट के प्रति अपनी जो अनुक्रिया होती है, रेस्पॉन्स होती है, उसको दर्शाते हैं। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फोटो रिसेप्टर्स का, दैट इज डर्मल रिसेप्टर। अब चलते हैं अपन सेकेंड टाइप, दैट इज डॉर्सल ओसिलाई। इसको सिंपल आई के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल ओसिलाई के नाम से भी जाना जाता है, और जनरल इंसेक्ट में तीन ओसिलाई होती है, कंपाउंड आई तो एक जोड़ी होती है, और दोनों कंपाउंड आई के बीच में इसमें जो हेड का जो एग्जोस्केलेटन है जिसमें वर्टेक्स है जैसे फ्रॉन्स है, उन पर ये लॉकेट होती है। और सिंपल आई के अंदर स्ट्रक्चर में सिंपल आई की जो स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले गुडमैन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्क्राइब किया था, और इसकी स्ट्रक्चर में पांच मुख्य पार्ट्स होते हैं। एक तो कॉर्निया, इसके नीचे कॉर्नियजन लेयर, इसके नीचे रेटिना, इसके बाद में पिगमेंट सेल्स, और इससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं या सेंट्रल नर्व। ये जैसे फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है डॉर्सल ओसिलाई का। अब इसमें जो कॉर्निया जो होती है ये एक्चुअल में स्किन का ही पार्ट है, क्योंकि कई बार स्किन जो होती है बहुत पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर लाइट का ट्रांसमिशन हो सकता है, और ये जो पतली जो स्किन होती है, पतली जो क्यूटिकल होती है, ये एक्चुअल में कॉर्निया का काम करती है। और ये पतली क्यूटिकल है, इसके नीचे हॉलो जैसे स्पेस है, ये हॉलो स्पेस एक तरह से लेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर कॉर्निया है वो अपने आप में लेंस भी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है तो ये अपने आप में एक लेंस का भी कार्य करेगी। इसके बाद में कॉर्नियजन लेयर, तो इस लेंस के जस्ट नीचे कॉर्नियजन कोशिकाएं पाई जाती है। ये मैंने जो नीले कलर में जो मैंने डिस्क्राइब करी है ये कॉर्नियजन कोशिकाएं हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि ये कॉर्नियजन सेल जो होती है ये इस लेंस का सिक्रीशन भी करती है। लेंस है वो एक तरह की रिफ्रैक्टिव बॉडी है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो मैट्रिक्स होती है वो भरी रहती है। कई बार कुछ इंसेक्ट में फ्लूइड के रूप में भी प्रेजेंट होती है, कई बार ये सॉलिड सब्सटेंस के रूप में भी होती है। इसके बाद में रेटिना जो होती है, रेटिना इस कॉर्नियजन सेल के जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो रेटिना है, इसका हाईली सेंसिटिव पार्ट है, और इस सेंसिटिव पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो तरह की सेल्स जैसे मैंने दिखाई है इसमें, एक तो पिगमेंट सेल है जैसे रेड कलर में पिगमेंट सेल है, और ये नीले रंग में जो है ये कॉर्नियजन सेल है, और इसके बीच में ये रेबडोम है, और ये जितनी भी सेल्स हैं ये सेल्स अंत में क्या होगा, एक नर्व फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होती है जिसको ओसिलार नर्व के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो ओसिलार नर्व जो होती है ये ऑप्टिक गैंग्लियन से कनेक्ट नहीं होती है, क्यों, इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है उसके अंदर जैसे ऑप्टिक लोब भी है, ऑप्टिक लोब के द्वारा ये तंत्रिका कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन ब्रेन के बीच का जो पार्ट है पार्स इंटरसेरिब्रलिस जिसको बोलते हैं, उसके पर्टिकुलर लोकेटेड एरिया के अंदर ये जो नर्व फाइबर है ये कनेक्ट होता है, और ये काफ़ी सिंपल टाइप की होती है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें केवल एक सिंगल ओमेटीडिया है जो मान के चलो, हालांकि ओमेटीडिया ये नहीं है, ये एक सामान्य आँख है, बहुत ही सिंपल आँख है, और विजुअल रिकॉग्निशन में इसका यूज होता है, इसका ये मेन पर्पज है। तो ये सेकंड टाइप का सेंस ऑर्गन, दैट इज डॉर्सल ओसिलाई। इसके बाद में इस्टीमेटा जो है इसको लेटरल ओसिलाई भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के ये लेटरल साइड में जैसे प्रेजेंट होती है, और लेटरल ओसिलाई में इस फिगर में आप देख रहे हो सबसे ऊपर वही क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी, और पारदर्शी क्यूटिकल होती है वो अपने आप में एक लेंस का काम करती है, अपने आप में एक कॉर्निया का काम करती है। अभी इस कॉर्नियल लेंस के नीचे क्रिस्टलाइन बॉडी प्रेजेंट हैं, क्रिस्टलाइन बॉडी के नीचे रेबडोम्स प्रेजेंट हैं, और रेबडोम के नीचे ये चार पेरिफेरल रेटिनल सेल्स होती है। इन पेरिफेरल सेल में दो तो परिधि में हैं, दो सेंटर में हैं,
तो सेंट्रल वाली जो दो कोशिकाएं हैं इसको तो सेंट्रल रेटिनल सेल्स का नाम दिया है, और इसके बाहर जो दो सेल्स हैं इसको पेरिफेरल सेल्स का नाम दिया है, और इसके बाद में ये फिर इसमें ये कवरिंग है जो कि एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। तो इंसेक्ट के लेटरल साइड में ये रचनाएं पाई जाती है, इसलिए इनको लेटरल ऑसिलाई के नाम से भी जाना जाता है, इनको स्टीमेटा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनकी सेंसिटिविटी जो है विजुअल देखने में इनका इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन थर्मल जो रेडिएशंस होती है, फोटो रेडिएशंस जो होती है, लाइट की जो संवेदनाएँ होती है, उसको ये प्रेक्षित करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और चौथा जो रिसेप्टर ऑर्गेन साइंस में, दैट इज कंपाउंड आई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और हर इंसेक्ट में आपने देखा होगा उसमें कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई इसलिए बोलते हैं कि इसमें हजारों की संख्या में आँखें होती है, और इसकी एक जो सिंगल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको एक ओमेटीडिया बोलते हैं। यहाँ पर एक मैंने ये ओमेटीडिया का डायग्राम जैसे दिखाया है। अब कंपाउंड आई के अंदर एक ओमेटीडिया भी हो सकती है, जैसे चींटियाँ होती है, आंट की कंपाउंड आई में सिंगल ओमेटीडिया होती है। इसके अलावा जो अपने घरेलू मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका, इसके कंपाउंड आई में लगभग 4000 आँखें पाई जाती है, 4000 ये ओमेटीडिया पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बटरफ्लाइज हैं, मौत हैं, यानी लेपिडोप्टेरा के जो सदस्य हैं, उसके अंदर 15000 से लेकर 17000 तक ओमेटीडिया पाए जाते हैं। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ऑडोनेटा, इनके सदस्यों में 28000 तक, 25 से लेकर 28000 तक ओमेटीडिया पाए जाते हैं, और इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो कंपाउंड आई नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल थाउजेंड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच आर कॉल्ड एज ओमेटीडिया। तो एक कंपाउंड आई में हजारों आँखें हैं, यूँ मान के चलो, कंपाउंड आई तो एक जोड़ी है, लेकिन एक आँख के अंदर भी हजारों की संख्या में छोटी छोटी आँखें हैं, और ये छोटी छोटी आँखें जो होती हैं इनको ओमेटीडिया का नाम दिया है। अब ये जो ओमेटीडिया जो है ये फैसेट्स के रूप में दिखाई देती है, जैसे आप घरेलू मक्खी का जैसे आप पिक्चर देखो या इंटरनेट के ऊपर आजकल फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, तो कंपाउंड आई का यदि आप हाई पावर के कैमरे से यदि इसके आप फोटो ले हो, अच्छे वीडियो कैमरे से आप फोटो ले हो, तो इन मक्खियों की आंखों में आपको इस तरह के जालीदार रचनाएँ दिखाई देगी, इस तरह के सॉकेट्स दिखाई देंगे, और प्रत्येक सॉकेट है वो अपने आप में एक ओमेटीडिया है। अब ये जैसे कंपाउंड आई है इसमें आप देख रहे हो ये चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, प्रत्येक चैम्बर अपने आप में एक आँख है, और ये एक जो छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, इसको ओमेटीडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ओमेटीडिया की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। प्रत्येक ओमेटीडिया के दो भाग हैं, इसका ऊपर वाला भाग, इसको तो बोलते हैं डाई ऑप्टिक रीजन, और इसके नीचे का भाग ये कहलाता है रिसेप्टर रीजन। और रिसेप्टर रीजन जो होता है ये एक्चुअल में न्यूरल रीजन है, ये तंत्रिकाओं के जुड़ा रहता है, ये ब्रेन के ऑप्टिक लोब से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर इंसेक्ट जो भी चीज़ देखता है उसका रिकॉग्निशन, उसका रिजोल्यूशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसका एनालाइजेशन है, वो सारा ब्रेन के द्वारा होता है। तो प्रत्येक कंपाउंड आई के या प्रत्येक ओमेटीडिया के दो जोन हो गए, ऊपर का जोन हो गया डाई ऑप्टिक रीजन, नीचे का रीजन हो गया रिसेप्टर रीजन। अब इसमें ऊपर से जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, इसमें सबसे पहली जो रचनाएँ हैं ये होती है कॉर्निया, और कॉर्निया जो होती है ये बाई कॉन्वेक्स टाइप की है, बाई कॉन्वेक्स टाइप की है, यानी दोनों तरफ का सिरा है उत्तल टाइप का है, और इसका कॉर्निया का जो बीच का जो पार्ट है इसमें लाइट का ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा, इसके मार्जिन से लाइट का ट्रांसमिशन मिनिमम होगा। और कई बार कुछ इंसेक्ट में क्या होगा, दो ओमेटीडिया के बीच में जो जॉइंट होता है फैसेट, इस फैसेट से सूक्ष्म रोम के समान रचनाएँ भी निकली रहती है, और ये रोम के समान रचनाएँ जो होती है ये डिस्टेंस को डिसाइड करती है कि कौन सी रचना कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी उसकी डेप्थ है। तो ये हेयर जो होते हैं दो फैसेट्स के बीच में, दो ओमेटीडिया के बीच में जो इंटर ओमेटीडियल जो जॉइंट है, उस जॉइंट से सूक्ष्म धागे नुमा रचनाएँ, हेयर के समान रचना निकली रहती है, और ये डेप्थ को डिसाइड करती है, लेंथ को डिसाइड करती है, विड्थ को डिसाइड करती है। हाँ, इस कॉर्निया के नीचे फिर दो होती है कॉर्निएजन सेल्स,
ये शंकुरूपी कोशिकाएं हैं, यहां पर आप ध्यान रखना कॉर्निया में कॉर्निया की संख्या एक है, एक ओमेटिडिया में। इस कॉर्निया के नीचे दो कॉर्नियजन सेल है जो कि शंकुरूपी होती है। अब इस कॉर्नियजन सेल्स के नीचे फिर होता है क्रिस्टलाइन कॉन, और ये क्रिस्टलाइन कॉन जो होता है ये चार कॉन सेल्स के द्वारा घिरा हुआ है। यहां पर संख्या बढ़ रही है, आप ध्यान रखना है। यहां पर कॉर्निया की सेल एक है, कॉन सेल दो है, इसके बाद जो क्रिस्टलाइन कॉन है इसके चारों ओर शंकुरूपी जो कोशिकाएं हैं इसकी संख्या चार है। तो यहां पर कॉर्निया में सिंगल, इसके नीचे कॉर्नियजन सेल दो, इसके नीचे क्रिस्टलाइन कॉन, और क्रिस्टलाइन कॉन के चारों ओर चार कोशिकाएं हैं। और ऐसा मानते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन कॉन है इसका सिक्रीशन भी इस कॉन सेल्स के द्वारा ही होता है। अब इस क्रिस्टलाइन कॉन दो ओमेटिडिया जो होंगे इन दोनों बीच में आयरिस पिगमेंट होगा, आयरिस पिगमेंट है वो इनको सेपरेट करने का काम करता है, आइसोलेट करने का काम करता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है आयरिस तक का पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है, डाइऑप्टिक रीजन। अब डाइऑप्टिक रीजन के नीचे का जो पार्ट है ये ओमेटिडिया का रिसेप्टर क्षेत्र होता है, ये इसका हाईली सेंसिटिव पार्ट है, सबसे ज़्यादा संवेदी भाग है। अब इस रिसेप्टर पार्ट में रेबडोम है, और रेबडोम के चारों ओर ये रेटिनल सेल्स होती है। अब रेटिनल सेल की संख्या अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग है, कुछ में सात भी होती है, कुछ में नौ भी होती है, कुछ में ग्यारह भी होती है, कुछ में पाँच भी होती है। तो ये जो रेबडोम है इस रेबडोम के चारों ओर ये जो रेटिनल सेल्स हैं इनकी संख्या सात भी हो सकती है, नौ भी हो सकती है, ग्यारह भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी संख्या बढ़ रही है लगातार है। कॉर्निया एक था, कॉर्नियजन सेल दो हो गई है, क्रिस्टलाइन कॉर्न सेल चार हो गई, रेटिनल सेल सात हो गई, बढ़ रही है। अब इसके नीचे जो नर्व आएंगे, नर्व फाइबर्स जो आएंगे, नर्व सेल आएगी बाइपोलर है, उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। अब ये जो रेबडोम है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिका रहता है, इट इज सिचुएटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेयर। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे फिर ये नर्व फाइबर्स है। तो ये जितनी भी रेटिनल सेल्स होती है इन रेटिनल सेल के टर्मिनल जो फाइबर हैं वो अपने आप में एक एक्सोन की तरह होते हैं, और ये रेटिनल फाइबर नर्व फाइबर ये फिर दूसरी जो बाइपोलर नर्व सेल जो होती है गैंग्लियोनिक लेयर होती है उसके द्वारा कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर ये जैसे एक गैंग्लियोनिक लेयर है, ये गैंग्लियोनिक लेयर है, गैंग्लियन क्या बोलेंगे, गैंग्लियन नर्व सेल में जैसे एक तरफ डेंड्राइट होता है एक तरफ एक्सोन होती है, बीच के अंदर फुली सेल बॉडी होती है। तो सेल बॉडी का जो एग्रीगेशन होता है जब हजारों सेल बॉडी एक जगह एक साथ एग्रीगेट हो जाती है तो वो रचना फूल जाती है, गांठ के समान हो जाती है, और उस रचना को गैंग्लियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये आउटर गैंग्लियोनिक लेयर हैं, ये इनर गैंग्लियोनिक लेयर हैं, और लास्ट में इन सब के कलेक्शन से ये ऑप्टिक नर्व बनेगी, और ये ऑप्टिक नर्व फिर ब्रेन के ऑप्टिक लोब के साथ जाके जुट जाती है। तो ये एक ओमेटिडिया का एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। दिस इज डाइऑप्टिक रीजन, दिस इज रिसेप्टर रीजन। अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस मिलेगी, कुछ रिफ्रैक्टिव बॉडी लेंस ऐसी होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ लेंस ऐसे हैं जिसमें कांच के समान पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ है, कुछ लेंस ऐसे हैं जिसके अंदर होलो कैविटी है, कोई फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, कुछ से ऐसे मिलेंगे जिसमें रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। तो इस ओमेटिडिया की जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक साइंटिस्ट है किर्चोफर ने इसको सबसे पहले क्लासिफाई किया था, और किर्चोफर के अनुसार चार तरह की ओमेटिडिया इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। एक तो यूकॉन कंपाउंड आई या यूकॉन ओमेटिडिया, स्यूडोकॉन ओमेटिडिया, एकॉन ओमेटिडिया और एक्सोकॉन ओमेटिडिया। इन सभी की बेसिक स्ट्रक्चर वैसी है, हर ओमेटिडिया में वही डाइऑप्टिक रीजन होगा, रिसेप्टर रीजन होगा, केवल
फर्क क्या होता है रिफ्रैक्टिव बॉडीज का। तो यहाँ पर ये जो यूकोन आई है ये एक्चुअल में वास्तविक कंपाउंड आई होती है, ये एक्चुअल में ट्रू रिफ्रैक्टिव बॉडी होती है और पारदर्शी, इसके अंदर जो ट्रांसमिनेंट जो मेटेरियल होता है वो टोटली पारदर्शी होता है। स्यूडोकोन जो आई है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा वो सॉलिड नहीं होता है और तरल फ्लूड के रूप में भरा रहता है, जिस तरह अपनी आँखों में भी जो फ्लूड भरा रहता है उस तरह का ये फ्लूड इसके अंदर भरा रहता है। इसको स्यूडोकोन कंपाउंड आई के नाम से, स्यूडोकोन ओमिटीडिया के नाम से जाना जाता है। एकोन ए मीन्स एब्सेंट, इस तरह की जो ओमिटीडिया होगी इसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल का सिक्रेशन नहीं होता है, एक प्रकार से ये खाली रचनाएँ होती है, खोखली रचनाएँ होती है। अब खोखली रचनाएँ हैं तो मीडियम तो उसमें भी है, वो एक तरह से वैक्यूम हो गया, एक तरह से निर्वात के समान रचना होगी। अब वैक्यूम है तो मीडियम तो खैर है ही, अब ठीक है उसमें हवा नहीं है, कोई तरल पदार्थ नहीं है, कोई सॉलिड पदार्थ नहीं है। और चौथी जो टाइप है एक्सोकोन, एक्सोकोन में क्या होता है कि इसके अंदर रिप्लेसमेंट होता रहता है, इसके अंदर मेटेरियल जैसे एक्सक्यूट हुआ, एक्सुवा के रूप में वो जैसे निकल गया और इसका फिर रीजनरेशन चलता रहता है, इसका प्रतिस्थापन हो जाता है दूसरी तरह के पदार्थों से, दूसरी तरह की रचनाओं से। तो ये चार बेसिक टाइप की कंपाउंड आई जो होती है वो इंसेक्ट में देखने को मिलेगी, यूकोन टाइप की, स्यूडोकोन टाइप की, एकोन टाइप की और एक्सोकोन टाइप की। अब क्वेश्चन है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो रात्रि के समय एक्टिव होते हैं, पर्टिकुलरली मोथ है जैसे मान लीजिए, स्लब। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं, तो इंसेक्ट डायुरनल टाइप के भी हैं, नॉक्टर्नल टाइप के भी हैं। फायरफ्लाई जैसे होती है, जुगनू जो होते हैं ये जनरली नाइट में एक्टिव रहते हैं, दिन में निष्क्रिय रहते हैं। अब नॉक्टर्नल इंसेक्ट जो होते हैं वो नाइट के अंदर भी रिसेप्शन करते हैं, डायुरनल इंसेक्ट हैं वो दिन के अंदर रिसेप्शन करते हैं। अब दिन के समय इन कंपाउंड आई में किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉग्निशन कैसे होगा और नाइट के समय इसका रिकॉग्निशन कैसे होगा, इस बेसिस पे एक साइंटिस्ट हैं एक्सनर, तो एक्सनर ने इन कंपाउंड आई को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो एपोजिशन आई, ये दिन के जो इंसेक्ट है डायुरनल इंसेक्ट उसके अंदर इमेज की प्रोसेसिंग इस तरह होगी, और रात्रि जो इंसेक्ट होते हैं नॉक्टर्नल जो इंसेक्ट होते हैं इसके अंदर सुपरपोजिशन इमेज मिलती है। अब ये दोनों का कंपेरेटिव फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये तो है डे टाइम का दिन के समय और ये जो फिगर है ये रात्रि के समय का है नाइट टाइम। अब सपोज ये रचना है हमारी एक्स वाई जेड, ये कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई है और कोई विजुअल स्ट्रक्चर हो सकती है, और उसके ये तीन पॉइंट है हमारी एक्स वाई जेड। अब इसमें आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो पिगमेंट जो है सेपरेशन पिगमेंट, इन पिगमेंट की लेंथ है बहुत ज़्यादा है, यानी पूरा डायऑप्टिक रीजन जो होता है डायऑप्टिक रीजन और उसके नीचे का रिसेप्टर का कुछ पार्ट वो इस पिगमेंट के द्वारा क्या आइसोलेट है। अब आइसोलेट जब होगी तो क्या होगा कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट से सीधी जो रे जा रही है प्रकाश की किरणें, वो किरणें तो रेबडोम से रिसीव हो जाएगी, यानी डायरेक्ट रे जो आ रही है वो इस रेबडोम को रिसीव हो रही है, लेकिन जो किरणें तिरछे रूप से आ रही है वो इस पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हो वाई ऑब्जेक्ट की तरंगे यहाँ भी आ रही है, इसे टकरा के ये वापस आएगी, इस पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह इधर ये जो लाइट आ रही है ये इस पिगमेंट से टकराएगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी, इस लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह मान लीजिए इस एक्स ऑब्जेक्ट से ये जो किरण आ रही है इससे टकराई, इससे एब्जॉर्ब होगी। जेड से जो लेयर आ रही है ये इससे टकराई, ये इससे एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन के समय जो भी रचना है इंसेक्ट जिस भी चीज़ को देख रहा है, जिस भी रचना को देख रहा है, तो उससे सीधी जो तरंगे होती है वो तो डायरेक्ट रेबडोम में चली जाएगी, लेकिन तिरछी जो किरणें होती है वो इस पिगमेंट के द्वारा अवशोषित हो जाती है। अब इसका परिणाम क्या होगा, इस इंसेक्ट को जो रचनाएँ दिखाई देगी वो डिजिट के रूप में दिखाई देगी, छोटे छोटे डिजिट के रूप में। तो कई बार आप मूवी देखते हो हैं जिसमें कोई अपराधी होता है, कोई महिला का जैसे कोई पिक्चर है तो उसको पिक्चर को क्लियर करके नहीं दिखाते हैं,
उसको छोटे छोटे डिजिट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल इमेज जिसको वन बोलते हैं, मोजाइक इमेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये मान लीजिए, सपोज स्टारफिश है मान लीजिए कोई है, या कोई पेंटागोलन रचना है मान लो, अभी इस पेंटागोलन रचना को जब कोई इंसेक्ट दिन में देखेगा तो उसको इस तरह की इमेज दिखाई नहीं देगी। इस स्टारफिश में क्या होगा, उसको छोटे छोटे डिजिट्स है उसके अंदर ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह के छोटे छोटे डिजिट्स। तो दिन के समय जो इमेज बनती है वो डिजिटल इमेज बनती है, मोजाइक इमेज बनती है और काफी साफ होती है। अब दूसरी तरफ सुपरपोजिशन इमेज, अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो पिगमेंट जो लेयर है सेपरेट करने वाली, ये पिगमेंट लेयर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि इन पिगमेंट लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी भी है, इसके अंदर फैलने की कैपेसिटी भी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रत्येक ओमेटीडिया से सीधी तरह जो तरंग आ रही है प्रकाश की किरणें, ये डायरेक्ट रेबडोम के साथ टच हो रही है, और तिरछी किरणें भी जो आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट होकर इस रेबडोम के साथ टच हो रही है। पहले वाले केस में तो केवल सीधी किरणें थी वही रेबडोम को रिसीव हो रही थी, डायगोनल जो तरंगें हैं वो इस पिगमेंट के द्वारा अब्जॉर्ब हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब इसमें जैसे इसी फिगर में, अब इसमें जो इस वाई ऑब्जेक्ट से जो सीधी तरंग आ रही है वो रेबडोम को रिसीव हो रही है, और इसी वाई से जो तिरछी जो तरंग आ रही है ये भी इस पिगमेंट से टकरा कर ये वापस इस रेबडोम को रिसीव हो रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें उस एनिमल की रियल इमेज बनेगी, एक्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन थोड़ा डाउन हो जाता है। इमेज तो उसको डिजिटल नहीं बनेगी, एक्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन वो इमेज एक्चुअल में क्या है, थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। अब मान लो ये इंसेक्ट इस स्टारफिश को यदि देखे हैं तो उसको एक्चुअल है जो इनकी शेप है तारे की आकृति की, उस तरह की इमेज इसको दिखाई देगी। तो डायरनल इंसेक्ट जो होंगे दिन में, जो इंसेक्ट होंगे उसको ये स्टार शेप जो आकृति है डिजिट के रूप में, मोजाइक के रूप में दिखाई देगी, और नॉक्टर्नल जो इंसेक्ट होंगे उसको ये इमेज इस तरह की दिखाई देगी। लेकिन ये जो इमेज है इसका रिजोल्यूशन, इसकी जो पारदर्शिता है, इसकी जो क्लैरिटी है वो इसकी तुलना में कम है। इमेज तो इसको इंटैक्ट दिख रही है लेकिन हल्की दिखाई देती है। तो रात्रिचर जो इंसेक्ट हैं और दिनचर जो इंसेक्ट है उनकी इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है। इसके अलावा इंसेक्ट कलर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को वो याद भी रख सकते हैं। तो इसमें बहुत डिटेल रिसर्च है, क्योंकि एंटोमोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और पूरी दुनिया में हज़ारों PhD, हज़ारों रिसर्च पेपर हैं, हर महीने इनके ऊपर पब्लिश होते हैं, सबमिट होते हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान फोटो रिसेप्टर्स। अब इसके बाकी के जो रिसेप्टर्स हैं उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो आपके लिए मैं तैयार करूँगा, जिसमें क्यूमो रिसेप्टर्स भी होंगे, टेंगो रिसेप्टर्स भी होंगे, ऑडियो रिसेप्टर्स भी होंगे, हाँ इसके अलावा हाइग्रो रिसेप्टर्स भी होंगे, क्यों इंसेक्ट में हर संवेदनाओं को ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है और हर रिसेप्टर की पर्टिकुलर लोकेशन है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर उनका फंक्शंस हैं। तो उस पे एक अलग से एक व्याख्यान उन रिसेप्टर्स पे मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा, और एक बार मैं फिर नटसेल में इसको एक बार फिर रिपीट कर दूँ। फोटो रिसेप्टर्स वो रचनाएँ होती हैं जो प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करती है, लाइट स्टिमुलस को वो डिटेक्ट करती है। इंसेक्ट में पाए जाने वाले फोटो रिसेप्टर्स चार प्रकार के हैं, डर्मल रिसेप्टर्स, डॉर्सल ओसिलाई, स्टीमेटा या लेटरल ओसिलाई और कंपाउंड आई। अब इसमें जो डॉर्सल ओसिलाई डर्मल जो रिसेप्टर हैं ये एक्चुअली स्किन की प्रॉपर्टीज हैं, ये आँख जैसी कोई रचनाएँ नहीं है, और ये रचनाएँ लेपिडोप्टरा के लार्वा में
टेनेब्रियो के अंदर, कॉकरोच के अंदर हाईली डेवलप्ड होती है। और इन इंसेक्ट में देखा कि कंपाउंड डाई को यदि काट के हटा भी दें या कंपाउंड डाई को किसी पारदर्शी सेलो टेप से उसको चेप भी दें, उस केस में भी इसकी जो स्किन होती है उसके प्रकाश के प्रति संवेदनाएँ दिखाई देती है। डोर्सल ओसिलाई जो होती है इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले गुडमैन ने किया था। और इस डोर्सल ओसिलाई के अंदर कॉर्निया होती है, कॉर्निएजन सेल्स होती है, रेटिना होती है, पिगमेंट सेल होती है, सेंट्रल नर्व्स होती है। और स्टीमेटा जो है इसके अंदर कॉर्नियल लेंस हैं, क्रिस्टलाइन बॉडी है, रेबडोम्स हैं, पेरिफेरल रेटिनल सेल हैं, इनकी संख्या दो है, और सेंट्रल रेटिनल सेल हैं, इनकी संख्या भी दो हैं। और कंपाउंड आई जो होती है ये हजारों पार्ट्स की बनी होती है, हजारों यूनिट्स की बनी होती है, और एक सिंगल यूनिट जो होती है वो ओमेटिडिया के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक ओमेटिडिया का ऊपर वाला जो भाग है ये डायऑप्टरिक रीजन कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग है ये रिसेप्टर रीजन कहलाता है। इसमें जो मुख्य कंपोनेंट है उसमें कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे कॉर्निएजन सेल, फिर क्रिस्टलाइन कॉर्न सेल, इसके बाद आयरिस पिगमेंट, फिर रेटिनल सेल्स, रेटिनल सेल के सेंटर में रेबडोम होता है, इसके नीचे फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के फिर नीचे फिर ये नर्व फाइबर होते हैं, गैंग्लियोनिक लेयर होती है, और लास्ट में इन सभी के एक्सॉन जो होते हैं ये कलेक्ट होकर एक ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। और ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क का जो ऑप्टिक लोब होता है उसके जाके ये कनेक्ट हो जाती है। और ओमेटिडिया हैं वो चार तरह के होंगे, यूकोन टाइप के, स्यूडोकोन टाइप के, एकोन टाइप के, एक्सोकोन टाइप के। और इंसेक्ट में जो इमेज की जो प्रोसेसिंग है ये दो टाइप की है। डायरनल इंसेक्ट होंगे, इसके अंदर एपोजिशन इमेज बनेगी या मोजाइक इमेज बनेगी। और नॉक्टर्नल इंसेक्ट होते हैं, इसके अंदर सुपर पोजिशन या अतिव्यापन वाली इमेज बनती है। लेकिन सुपर पोजिशन इमेज जो है वो इसकी तुलना में थोड़ी धुंधली होती है और क्लियर नहीं होती है। तो ये एक संक्षेप में आज का अपना व्याख्यान। और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच आप हमसे दूरभाष के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।